कोविड-19 वैश्विक महामारी के संक्रमण के तेजी से फैलने के कारण देश भर में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस दौरान पड़ने वाले ईद के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए रविवार को कोतवाली थाना परिसर में थाना प्रभारी की अध्यक्षता में मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ जनों के साथ बैठक किया गया, जिसमें लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घर पर ही ईद के त्यौहार और जुमे की नमाज को अदा करने की गंभीरता से चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में आए मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ जनों ने ईद त्यौहार को अपने घरों में मनाने और घर के अंदर ही नमाज अदा करने पर अपनी सहमति जताई। साथ ही इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने की भी बात कही। इस दौरान कोतवाली थाना प्रभारी सहित उप निरीक्षक और थाना क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। सभी का पड़ा और लेकिन इस त्यौहार को घर पे मनाने का काम सभी ने किया और लॉकडाउन का पालन किया। चूँकि इस महामारी से लड़ना है तो आगे आने वाले चाहे अलविदा का त्यौहार हो, किसी धर्म का भी त्यौहार हो, जब तक सरकार की मंशा नहीं है छोड़ने की तो हम लोग घर ही पे नमाज अदा करें कि ईद की नमाज भी घर ही पे पढ़े। और ज़रूरी नहीं है कि नया कपड़ा बनवाने के लिए आप जो है बाजार जाइए, पुराना कपड़ा है वो पुराना कपड़ा ही पहनिए। हम लोग खुद अपने बच्चों का अपनी बीवी का कपड़ा अब की ईद में नहीं सिलवा रहे, इसलिए नहीं सिलवा रहे उसकी एक मानवीय दृष्टिकोण से भी नहीं सिलवा रहे हैं। तमाम गरीब ऐसे हैं जो नया कपड़ा नहीं अब की पहन सकते हैं, तो अगर हम पहनेंगे तो उनको तकलीफ होगी। ये मानवीय दृष्टिकोण से कोई सिलवाना चाहे तो वो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन बाजार ना जाए और नमाज भी घर ही पे अदा करें। जैसे लॉकडाउन का पालन किए वैसे ही आगे भी लॉकडाउन का पालन करें और सरकार की जो भी मंशा होगी उसको ध्यान में रखते हुए, चूँकि अपने को भी बीमारी से बचना है और समाज में एक मैसेज भी देना है कि आप लोग बचें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इधर कुछ बढ़ने का जो सुना गया है, बाहर से भी तमाम लोग आ रहे हैं, मजदूर वगैरह जो अपने घरों को आ रहे हैं और जो कुछ दुकानें भी खुल रही हैं, तो कई जगह जो है ये बीमारी बढ़ भी रही है। तो इसलिए और गुजारिश है खासकर अपने समाज के लोगों से, और हम लोगों ने कह भी दिया है कि अब जो भी होगा चाहे अलविदे की नमाज चाहे कोई भी चीज़ हम लोग घर ही पे करेंगे और घर पे होना भी चाहिए। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक मजबूरी है भाई, क्या ये नहीं, ये महामारी है और इसमें सबको बचना है, बचाना है। अनुरोध है कि घर में ही बनावे, जैसा कि अभी सब आपको बताए हैं, इसका पूरा पूरा पालन करना है को देखते हुए। इसी शासन की मंशा है, उसी के अनुरूप आप कार्य करें। इसमें किसी प्रकार की कोई छूट अभी तक न दी गई है और न आगे की संभावना है, इसलिए शासन के मंशा के अनुरूप ही ईद का त्यौहार खूब सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। ये गोष्ठी इसीलिए की जा रही है और आपसे गुजारिश है कि इसमें शासन का सहयोग दें। कोई भी व्यक्ति अगर इस त्यौहार को बिगाड़ने का प्रयास करता है तो सूचना तत्काल प्रशासन को अवगत जरूर कराएं, जिससे हम लोग उस व्यक्ति से मिल सकें और उसको समझा सकें। यही हमारी आपसे गुजारिश है।